चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर जो बात कर रहे थे। तो पहला जैसा डाउट आप पूछ रहे थे कि कोई अगर वायर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मोटा वायर बनाता हूँ जिसे आप समझ सकें, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी मान लीजिए लेंथ कितनी है एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। अब इसी वायर को आपने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, मतलब खींचने का थोड़ा पतला बन जाता है और इसकी लेंथ कर दी दुगनी, ठीक है। और लेंथ दुगनी कर दी यानी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी हो चुकी है दुगनी, तो इसका वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ना इसकी मास बदला ना इसकी डेंसिटी बदली है, डेंसिटी मटेरियल की होती है, मास जितना मास तोला है एक किलो दो किलो, तो ना अगर m बदला ना d बदला है तो वॉल्यूम तो नहीं बदल सकता, क्योंकि वॉल्यूम इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या बोलते हो रोहित जी? तो अगर इसका वॉल्यूम था v1 बोल देते a इंटू l, तो इसका वॉल्यूम भी v तो होगा पक्का ऊपर वाला, ठीक। अब हमको ये एरिया नहीं पता कि नया एरिया कितना है, तो बोल देते हैं a2 है, कुछ तो होगा। अब वॉल्यूम तो यही ऊपर वाला है और एरिया कितना हो चुका है a2 और लेंथ कितनी हो चुकी है 2l। अब दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो a इंटू l इसकी जगह रख दिया ऊपर वाली वैल्यू और a2 इंटू 2l, l से l कट गया तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई a अपॉन 2। तो रोहित ये तुम्हारे सवाल का जवाब कि एरिया आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ आप डबल करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ फोर टाइम्स करेंगे एरिया वन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखना है। क्यों सेम रखना है? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है मास और डेंसिटी पर और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला पढ़ा था ना, डी इज इक्वल टू एम बाई वी, नाइन्थ में था शायद। एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम कैसे निकालते हो? सब साफ हो गया क्या? हार्ड डिस्क उड़ गई लग रहा तुम्हारी कोई फायदा रिकवरेबल नहीं है। तो एरिया इंटू लेंथ पढ़ा था ना, वॉल्यूम का सिद्धि जी, इस तरीके से बात बनेगी। अगर वही तार है तो एक तार लिया उसको स्ट्रेच कर डाला है, जब स्ट्रेच करेंगे तो वो एरिया कम होगा। कभी कभी रेडियस की बात कर देते हैं तो रेडियस में थोड़ा खेल होता है, वो भी समझ लो लगे। जैसे मान लीजिए आपसे बोला कि एक तार ये वाला ऊपर वाला तार, इसकी रेडियस कितनी थी, आर ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमने इसको खींचा और खींच के स्ट्रेच करके इसकी रेडियस को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। अब बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका आर है रेजिस्टेंस, इसका आर है, इसका बताओ। हमने तार खींचा और खींच के रेडियस हाफ कर दिया, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल देने, तो हम लोग घनचक्कर में रुक करो। इस वाले के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो है रेजिस्टिविटी, मटेरियल की नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, बढ़िया। इसमें आ गए तो इसके लिए हमने लिखा इसको आर वन, मटेरियल वही है तो रो चेंज होगा नहीं। लेंथ कितनी हो गई थी मिस अंशिका, 2L, और नीचे एरिया कितना हो गया था अंशिका, ये लिखा है a बाई टू, ए टू ए बाई टू, तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर चला गया तो 4 रो अपॉन ये आया। अब ये रो एल बाई ए तो पुराने से लिख सकते हो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, फोर टाइम्स मोर, फोर टाइम्स देन द प्रीवियस वन। कहीं समझ पाए क्या? अगर किसी तार को खींच के दुगना लंबा कर दें हम, तो उसका एरिया भी पिचकेगा, कम होगा जैसा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स। समझ पाए? ऐसे सवाल, ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो दूसरे तरह की वैरायटी यही होता है, लेकिन इसमें छेड़खानी कर देते थोड़ा रोहित। अब इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा लिया था सिस्टम,
अब उन्होंने ऐसी खिंचाई की है तार की, स्ट्रेच किया है तार को, कि स्ट्रेच करके उसके रेडियस को हाफ कर दिया है। फाइंड आर, आर टू लिख देते हैं, इसके लिए हमें आर टू फाइंड करने का है, देखते हैं क्या आता है। क्या समझ पाए अपनी बात? ठीक है ना। अब हमें पता है कि इसका और ऊपर वाले का वॉल्यूम तो सेम रहना है, तो अगर वॉल्यूम सेम रहना है तो इसका था v इज इक्वल टू a इंटू l, और इसका v इंटू a इंटू l, और इसका रेडियस फॉर्म में लिखेंगे, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू l। ये तो पाई आर स्क्वायर है, नहीं है? नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका आर टू, इसका वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम तो वही होगा, मटेरियल वही है, तो v लिखा, और एरिया कितना होगा? पाई आर अपॉन टू का होल स्क्वायर, और लेंथ पता नहीं है, लेंथ लिख देते हैं l2। ठीक है क्या? बहुत अच्छा। वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसलिए लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू l, ये उधर से, और ये बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर इंटू l2। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कट गया, तो l2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4l। यानी अगर इसके रेडियस को हाफ करना है तो हमें लेंथ को चार गुना ज्यादा खींचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अब हम सवाल पे आते हैं कि r2 कितना, तो रो तो क्योंकि वही मटेरियल था, रो नहीं चेंज हुआ, लेंथ कितना हो चुका भाई साहब? 4l। क्या बात समझ में आती है? और नीचे एरिया कितना है? एरिया लिख सकते हो, अभी एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, यही तो एरिया, क्योंकि आर बाई टू इसका रेडियस है। अब इसको क्या लिख सकते हो? रो 4l अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया दो दो चार, चार ऊपर चला जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर ऊपर, ठीक। तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 16 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर तो इधर वाला है, ये देखो फॉर्मूला, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 आर। देखिए कितना तगड़ा फर्क है, यानी अब जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस से 16 टाइम्स मोर है। दोनों का फर्क समझे? तो कभी आपसे रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में खेला जाएगा, और कभी आपको सिंपल लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में खेला जाएगा। ये कहानी ओनली लेंथ पे चली है, ए से मल्टीप्लाई, इस पर रेडियस पे पहुंच गए तो उसका फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। क्या दोनों कॉन्सेप्ट पकड़ पाए हैं? शांति से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछो। वॉल्यूम क्यों नहीं बदलेगा? इसका भी जस्टिफिकेशन मैंने दिया आपको इधर, आप ध्यान से देखिए, देखिए बात से कन्विंस्ड हैं कि नहीं कन्विंस्ड हैं। नहीं कन्विंस्ड हैं तो आप पूछिए क्या डाउट है आपको, वरना आगे नंबर के लगेंगे। हाँ बेटा, क्या आंसर आया तुझका? टू, इनका आंसर है आर ए बी टू, लेट अस चेक कि ये सही है गलत है, टू। आप लोग का क्या आया है? ठीक है, अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बना? सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, आर वन प्लस आर टू। ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है कि नहीं? तो ये हो गया टू प्लस टू, फोर ओम, और ये सीरीज, और ये पूरा, और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये फोर ओम ऊपर वाला और नीचे वाला फोर, तो शॉर्ट तरीका अगर लगाएं इक्विवेलेंट वाला, तो फोर इंटू फोर अपॉन फोर प्लस फोर, सिक्सटीन अपॉन एट, यानी टू ओम इज द आंसर। बहुत ज़्यादा सवाल, अरे ये सवाल दोनों बराबर है, एक ही सवाल है, ये देखो, इसको हमने सीरीज में जोड़ा है, उसको हमने बस उसका मेकअप कर दिया है और तुम लोग पहचान नहीं पाए। देखो सेम सवाल है कि नहीं? तुझे भूचाल कोई आठ ओम पता, कौन बता रहा? ये बता रहा वही जी, ये देखिए सेम सवाल है कि नहीं? देखो तो कोई उसका शेप बदल देने से आदमी थोड़ी बदल जाता है, कोई कितना भी मेकअप कर ले अंदर से तो वही है, क्यों पहचान पाए? ठीक है, अगला करते हैं, ये सेम सवाल था। तो ये क्वेश्चन एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, सर्किट क्लोज है, इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ लोगों को कि मीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, और जिनको नहीं दिख रहा वो डॉक्टर से संपर्क करें तो ये मीटर है, ये वोल्ट मीटर है,
आपको बताना है कि एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। एमीटर क्या नापता है राजवर्धन? तो पहले हमको ये समझ में आना चाहिए ये एमीटर वोल्ट मीटर क्या मेजर करेंगे। तो एमीटर वोल्ट मीटर मेजर करेगा करेंट, और वोल्ट मीटर मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह लीजिए। ये एमीटर जहाँ पर लगा है उसके हिसाब से ये पूरे सर्किट की करंट मेजर करेगा, सर्किट में लगा ना। और ये वोल्ट मीटर कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा? दुष्का किसका मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस? जिसके पैरेलल लगा है। किसके पैरेलल लगा है? अनन्या। हाँ ये पूछ रहे हैं कि वोल्ट मीटर किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। यार मन आते दोनों कैसे? अरे जिसके पैरेलल लगाते हैं उसका मेजर करता है। अभी 15 ओम यानी R3 की पैरेलल है तो R3 का मेजर करेगा। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका दिमाग कॉन्सेप्ट को पकड़े, वरना भगवान जाने क्या लगा मारेंगे एग्जाम में। वोल्ट मीटर को जब हम लगाते हैं किसी का मेजरमेंट लेने के लिए तो जिसके पैरेलल लगाते हैं उसी का मेजर करेगा वो। तो हमने वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगाया। अनन्या लगाया कि नहीं लगाया? R3 के पैरेलल लगाया तो R3 का ही तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में नापेगा। तो हमको निकालना क्या है? इसका वी पोटेंशियल ड्रॉप और पूरे करंट सर्किट की करंट। कई बच्चों ने ये वी टोटल कुछ और किया गबला ऐसा लगता है। एनीवे देखते तो सोल्यूशन के तौर पर अगर हम पूरे सर्किट की करंट निकालनी है तो फुल सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दें। पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ, तो फॉर होल या फुल जो भी बोलो सर्किट अप्लाइंग लिख देना ओम्स लॉ, यानी वी इज इक्वल टू आई आर। तो V हमको पता है इसके लिए, V है 10 वोल्ट, I हमको नहीं पता है, और R हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ठीक है। तो R कितना हो गया? 5 प्लस 10 प्लस 15 सीरीज, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो ये हो गया 30 ओम। तो पूरे गलत लिखा है, पूरे सर्किट के लिए 30 ओम रेजिस्टेंस। तो ये V इज इक्वल टू आई आर लगाओ आप, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना था? 10 ओम, और R कितना है? 30। तो ये आगे वैल्यू 0.33 एम्पियर पहला आंसर आया। यानी ये रीडिंग किसकी है? रीडिंग ऑफ एमीटर। ये एमीटर की रीडिंग है। तो हमें समझ में आना चाहिए क्या नाप रहे हैं हम इससे। पार्ट नंबर 2 वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वही होगी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम लगाएंगे ओम्स लॉ अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर R3 15 ओम रेजिस्टेंस। क्या बात कहते हो? तो हमें इस R3 के लिए R3 तो मालूम है, यानी R3 हमारा कितना है? 15 ओम। और इसमें करंट कितनी जाएगी हमारी? वही जो I जा रही है सीरीज में, सेम करंट होती है। तो I कितना निकाला है? 1/3 एम्पियर। और V3 हमको निकालना है। तो V3 क्या हो गया? V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3। I3 कितना है? 15, और ये हो गया 3। सही लिखा गया? तो 5 वोल्ट इज दी आंसर। तो जिनका 5 वोल्ट आया है वो सही है, ठीक है। पूरी बात समझ में आई है? अगर कहीं पे एमीटर वोल्ट मीटर बना होगा तो देख के घबराहट तो नहीं होगी अब क्यों शिवेन जी? कर लेंगे। अच्छा अच्छा इसी में ये तो कर लिया आपने, समझ में भी आया है। अब मैं बात करता हूँ राजनंदिनी, अगर हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको बोल दो V2, इसको बोल दो V1, तो V2 की रीडिंग बता सकती हो क्या? सॉल्व करना पड़ेगा, करिए सॉल्व। V2 की रीडिंग बताओ दूसरा वोल्ट मीटर। सभी लोग करें मतलब बताएगी वो, ऐसा नहीं सबको डन तो ठीक है बता रही हैं।
भाई जल्दी बताइए, तो बहुत सरल है। हाँ मयंक, कैसे निकाला? ओम्स लॉ लगा दो R2 के लिए, तो V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। V2 कितना है मालूम नहीं, I2 तो वही करंट है, तो 1 बाई 3, और R2 कितनी है 10, तो 3.33 वोल्ट इज द आंसर। ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान है, ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। अब उसमें भी आप गलती करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये इस तरह से सर्किट डायग्राम बना हुआ है, एमीटर की रीडिंग पूछी है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आ गया है, बड़ी अच्छी बात। जो नहीं कर पाए वो देखिए, एमीटर क्या चीज़ फाइंड करता है? करंट। और जिस तरीके से लगा हुआ वही तरीका बताता है कि पूरे सर्किट की करंट नापेगा ये। और ये प्लस ऐसे करंट जा रही है तो ऐसे आएगी, तो प्लस माइनस बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। करंट ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है ना अनन्या? अनन्या ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है ना, पैरेलल में? अगर ये तीनों पैरेलल है तो पैरेलल में फॉर्मूला ये लगा दे बेटा। एक मिनट को अनन्या से बात करने दो। अनन्या ये लगा दे, ये हाँ 1/r लगाना पड़ेगा। दो के लिए वो शॉर्टकट चलता है, मतलब ये दो के लिए तो सही है, तीन के लिए ये गलत है। चलो जग रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, क्योंकि ये तीनों कैसे थे, है ना रोहित? तो अब इसको हमने रिया सॉल्व किया, रिया कैल्सियम ने आया, क्या ये ठीक लिखा रिया? अच्छा, तो ये आ गया शायद ऊपर 10 नीचे 30, यानी आ गया 1/3। तो R कितना आ गया? 3 ओम। R 3 में, तो पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दें। पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर लिखोगे। V कितना है? 12 वोल्ट। I हमको पता नहीं है, R 3 है, तो I कितना आ गया? 4 एम्पियर होगी हमारी एमीटर की रीडिंग, ठीक है। अब इस सवाल में एक तगड़ा ट्विस्ट, जब ये हॉट स्टेप का क्वेश्चन बनेगा, ये नॉर्मल बोर्ड में आया सवाल है, ऐसे ही आते हैं जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं, अगर वो ट्विस्ट भी आप करना सीख लेंगे तो निश्चित ही निश्चित सवाल सही होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब इसकी बात किससे की जाएगी अभी देखते हैं। अब हमने उठा के क्या किया, एमीटर हमने यहाँ लगा दिया, एमीटर नंबर 2, इसको बोलते हैं एमीटर नंबर 1। तो अद्रिका जी एमीटर नंबर 2 की रीडिंग बताओ, सभी लोग बताओ, बताएंगी ये है सवाल सामने। A1 की रीडिंग आई इतनी, A2 की बताओ कितनी आई, तो निकालो सब लोग। A2 निकल आई, क्या बात है। तो A2 की रीडिंग कितनी आई? 2/5 एम्पियर, ठीक है, वही 0.4। तो ये कैसे आपने निकाला? एक मिनट, 12 वोल्टेज क्यों लिया? वेरी गुड, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम होता है विकास, इसलिए 12 इसमें और 24 इसमें, है ना? हाँ, सब 12-12 वाले, ठीक है। फिर तो इसका वी निकल आया 12, और R हमको पता है, तो ओम्स लॉ लगा दो, V है 12, I पता नहीं है, और R कितना है? 30। तो I2 कितना हो गया? 12/30। अब इसको काट दो, 6 से कट जाएगा लगता है, और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब शिवेन के लिए एक खतरनाक सवाल बनाते हैं इसमें। शिवेन जी और थोड़ा ट्विस्ट ले लो इसमें, A3 की रीडिंग बता दे बेटा। शिवेन हमारा तगड़ा लड़का है, चीजें बदल चुकी हैं। वी वॉन्ट टू नो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ A3।
अगर हमको A3 की रीडिंग चाहिए बेटा, तो इस समय सब इसका रूप रंग बदल चुका है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्किट का जो R है वो भी चेंज हो चुका है अब, क्योंकि ये लगा दिया ना टोटल, है ना। तो पूरे सर्किट के लिए हम निकाल लेते R, तो R ये तीनों पैरेलल में, ये सीरीज में उसके, तो पैरेलल वाले के लिए इन तीनों के लिए लगाया था, तो अभी क्या निकला था? आर पैरेलल वाले लगा लिख दे, तो ये कितना था? 3 ओम। और ये पैरेलल और 5 वाला सीरीज में, तो पूरे सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3+5 यानी 8 ओम। क्या ये बात समझ में आई है क्या? आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का है क्या, है ना? पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ, तो वी इज इक्वल टू आई आर पूरे सर्किट के लिए। पूरे सर्किट के लिए वी क्या है सार्थक? पूरे सर्किट के लिए वी कितना है? 12। पूरे सर्किट के लिए आई कितना है विकास? क्या बात है आयुष। आर कितना है पूरे सर्किट का? 8। तो आई कितना आ गया? 3/2 एम्पियर की करंट जाएगी यहां से, यानी यहां पर 3/2 एम्पियर की करंट चलेगी, ठीक है। इसमें कितनी करंट जाएगी? 5 में। कई तरीके से कर सकते हैं, इसमें तो 3/2 ही एम्पियर जाएगी, यहीं से तो जाएगी करंट, ठीक। तो हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो V=IR से, और वो 12 में माइनस कर देना, जो बचेगा तीनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या निकाला? V, इसको नंबर हम 4 के देते हैं आपको समझने के लिए, V4। V4 निकालने का मतलब है I4 × R4। V4 कितना है मालूम नहीं, I4 हमको मालूम है 3/2 एम्पियर, दिख रहा है क्या? R4 है 5, तो 15/2 वोल्ट इसके ऊपर आएगा, और ये यहीं से तो लेगा 12 में से, तो रिमेनिंग वोल्ट कितना बचा? V 12 में से 5, 15/2 घटा दो तो 7/2 बचा गया, लिखा गया। तो V लिखा तो है बेटा, अभी 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 निकली कहाँ मीटर की रीडिंग, ये तो रास्ते में हो, अभी निकल रही है ना, डायरेक्ट कैसे निकलेगी। तो ये 7/2 वोल्ट आया, किसका बचा हुआ, यानी तीनों पे पैरेलल 7/2 आएगा, तो इसके लिए भी 7/2 आएगा। अब हमने लगा दिया फॉर A3 या A3 के लिए, तो बना V3 = I3 × R3। V3 कितना होगा? 7/2, क्योंकि 7/2 तीनों के लिए बराबर होगा, पैरेलल है, तो ये बचा 7/2 वोल्ट। I3 हमको पता नहीं था, और R3 कितना है? 5 ओम। तो I3 की रीडिंग क्या आ गई? 7/10 एम्पियर। दिस इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर नंबर 3। इस तरह से सवाल होंगे, ये आप सीख लेंगे एकदम सवाल से हो जाएगा। आद्रिका हो गया तुम्हारा, राजनंदनी, सिद्धि, 2 आया सिद्धि का, देखते हैं सही गलत है। चलिए देखें, तो आपको क्या आया है? इनका भी 2 आया है। हाँ रोहित, इनका 1 आया है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत तरह के आंसर मिल रहे हैं, अब पूछ रहा कहते खाली नहीं। सार्थक आया, अजीब आया, चाहे अजीब का कुछ वैल्यू है, 5/2, क्या बात है। विकास जी बोल दो बेटा, तुम भी कुछ तरह तरह के फ्लेवर है जो पसंद हो। चलो भाई देखो कैसे करोगे, बहुत सरल सवाल। यहाँ ए से चले बी तक, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट सबके लिए कॉमन है, यानी ये और ये तीनों पैरेलल में है, ठीक। अब आपस में ये दोनों तो सीरीज में है, तो इसको अगर आप सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ऐसे भी बनाते समझने के लिए, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ये इनको 2-2 मिलाया तो इसको लिख दो 4 ओम, बीच वाला 2 था तो ये देखो 2 चला 2 ओम, और नीचे वाला फिर से 2+2 तो ये बना देखो 4 ओम। क्या ऐसे तोड़ पाए हो, समझ पाए हो, हैं?
ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो क्या हो गया, ए वन प्लस फोर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर, तो एलसीएम हो गया फोर, वन प्लस टू प्लस वन, चार अपॉन चार, और आंसर आ गया वन, वन ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। और देख के डर जाओगे तो डर के आगे जीत ही समझना पड़ेगा तुमको।